हे हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस वीडियो का पार्ट वन मैं पहले से ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो जिस किसी ने भी नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल पे जाकर के पार्ट वन को देख सकते हो। तो अभी मैं अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा घूम ले रही हूँ दूसरे साइड, जिधर मैं मम्मी के साथ नहीं गई थी। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ टॉयज वगैरह, और यहाँ पे देखिए डॉल है और साथ में ही थार। यहाँ का मुझे कलेक्शन तो अच्छा लग रहा था, बट प्राइस बहुत ज़्यादा हाई था। लुक एट दिस साइड, से हाय। दो घंटे पहले आ गए हैं तो हम लोगों को वेट करना पड़ेगा अभी। और कितना वेट करना पड़ेगा? 2-3 घंटा का वेट करना पड़ेगा। 3 hours, 10:30 we have the boarding। और हम लोग रात भर जागे हुए हैं तो बिल्कुल फेस देख करके ही लग रहा होगा कि कितना गंदा शक्ल आ रहा है। और जा करके ही रेस्ट करना है हमें। और बाबू है वो मम्मी के साथ है अभी, तो ये हम लोग अभी कोलकाता एयरपोर्ट पे हैं। और कुछ देर में ही हम लोग जाएंगे। और अभी हम लोग जा रहे हैं बैठने के लिए, फाइनली इतना देर वेट करने के बाद। तो मम्मी का ये फर्स्ट टाइम था जब वो प्लेन पे बैठ रही हैं, और मेरा तो मैं बता ही थी कि ये मेरा दूसरी बार था। और ये विशु का भी फर्स्ट फ्लाइट था, और विशु अभी बहुत छोटी है तो इसलिए मैं थोड़ा सा डर भी रही थी। और मैं आपको
आपको बता दूं कि मुझे फ़्लाइट पर बैठना, फ़्लाइट से ट्रैवल करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि मैं कोई भी न्यूज़ सुनती हूँ तो मुझे मतलब प्लेन क्रैश करने का ये सब कुछ भी, तो मुझे पसंद नहीं है कि फ़्लाइट से सफ़र करूँ मैं। और इस बार मैं जो बैठी उसका एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब था। मैं क्या बताऊँ आपको, इतना गंदा मुझे लगा कि मैं सोच ली थी कि नेक्स्ट टाइम मैं कभी भी फ़्लाइट पे नहीं बैठूँगी। तो आगे मैं शेयर करती हूँ आपसे कि मेरे साथ क्या हुआ, कि मैं बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहती, और मुझे अगर ऑप्शन मिलेगा तो मैं इसे अवॉइड ही करूँगी प्लेन पे बैठना। पर चूँकि ये बहुत कम समय में हमारे डेस्टिनेशन पे पहुँचा देता है, तो इसलिए ये थोड़ा सही है। बट क्या बोले कि मुझे, मैं जब प्लेन उड़ता है तो मुझे बहुत डर लगता है, और फिर जब वो वापस नीचे आता है उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो डर इसलिए नहीं लगता है कि वो नीचे आ रहा होता है, मुझे बहुत इस बात का डर होता है कि कहीं वो क्रैश ना कर जाए, मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो ये सबके साथ नहीं होता, पर ये प्रॉब्लम मेरे साथ है कि मुझे डर लगता है प्लेन पे। और ये चले हम लोग। क्योंकि मम्मी का ये फर्स्ट टाइम था तो मम्मी विंडो साइड ही बैठना चाह रही थी, तो मम्मी विंडो साइड ही बैठी और मम्मी हम लोगों को बता रही थी, मुझे बता रही थी कि उन्हें क्या क्या दिख रहा है बाहर में, और कुछ कुछ पूछ भी रही थी, एक्सप्लेन कर रही थी कुछ कुछ देख के। तो और इस जगह पे देखिए, यहाँ पे आकर के हम लोगों को बहुत, मतलब क्या बोलूँ, यहाँ पे तो ऐसा फील हो रहा था ना जैसे कि हम लोग बादलों के बीच घुस गए हैं। बहुत बढ़िया लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे दिखाता है सीरियल वगैरह में स्वर्ग का जो होता है, बिल्कुल एकदम यहाँ पे आप लोग भी देख सकते हो, ऐसा लग रहा था जैसे बादलों के बीच हम लोग उड़ रहे हैं। और इस जगह से मुझे बिल्कुल भी जाने का मन ही नहीं कर रहा था, मुझे इतना बढ़िया लग रहा था कि पूछिए मत, ऐसा लग रहा था जैसे बादलों को रखा गया है कहीं पे, आप लोग भी वीडियो में देख सकते हैं। तो अब मैं बताती हूँ कि मुझे मेरा एक्सपीरियंस गंदा क्यों रहा प्लेन पे। तो ये जो प्लेन है वो हमें थोड़ी देर के लिए नीचे लाता था, फिर ऊपर ले जाती थी, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो ये बार बार ऊपर नीचे होने लगा जब, तो मैं डर गई कि ये उतार क्यों नहीं रहा है हमें, क्योंकि हम लोग नज़दीक भी पहुंच चुके थे एयरपोर्ट के, बट फिर भी हम लोगों को उतारा नहीं जा रहा था। तो मैं बार बार सोच रही थी कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है इसमें, और मैं इतना ज़्यादा डर गई कि लास्ट टाइम पे मैं अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ ली थी और बस बोल रही थी उन्हें कि भगवान करे कुछ ना हो, कुछ ना हो। क्योंकि मैं पहले ही बताई हूँ आप लोगों को कि मुझे प्लेन में अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो मतलब जब हम लोग नीचे उतर गए प्लेन से, तब जाके मैं थोड़ा रिलैक्स हुई, क्योंकि मैं बता ही नहीं सकती कि मुझे किस लेवल का डर लग रहा था। और प्लेन पे तो मुझे खासकर बहुत ज़्यादा डर लगता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ना भूलें।